बच्चों किताब खोलिए, कक्षा 10 बालक बालिका। जैसा कि हम आपको 3 सवैये पढ़ा चुके हैं, आज चौथे सवैया का नंबर है, उसको ध्यान से देखिए और मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। देखिए, जा दिन ते वे नंद के छोरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहनी तानन गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। ता दिन सो का छूटो ना करे सग, रस खाने ही में समाई गयो है, को न काहू की कानी करे सगरो, ब्रज बीर बिकाई गयो है। बात समझ में आई? यहाँ पे बच्चों अभी तक हमने आपको बताया कि श्री कृष्ण आंगन में खेल खा रहे थे, अब उससे बड़े हो गए, ग्वाल बालों के साथ गाय चराने का काम कर रहे हैं, और वहाँ क्या कर रहे हैं, अब उन्हीं सब का वर्णन यहाँ एक गोपी कह रही है कि कृष्ण जी गायों को चरा रहे हैं, कैसे गीत गा रहे हैं, उन्हीं सब बातों का वर्णन यहाँ रसखान कवि कहते हैं कि एक गोपी द्वारा किया गया है। ध्यान दीजिएगा प्रसंग में, इस सवैये में श्री कृष्ण के प्रभाव का वर्णन है ना बेटा, क्योंकि कहने का मतलब ये है प्रभाव कि हर जगह वो सबके चहेते बन गए हैं। कौन? श्री कृष्ण। देखिए, जा दिन ते मतलब जिस दिन से, ठीक है, छोहरा माने पुत्र, गोधन माने एक प्रकार का गीत जो श्री कृष्ण गाते थे, और बेनु माने बंसी, रिझाई माने प्रसन्न, सिगरो माने समस्त, बीर माने सखी। अब ध्यान से मेरी बात आप देखिए, जा दिन तय वह नंद का छोरा, यहाँ पे श्री कृष्ण पर मोहित एक गोपी कहती है। क्या कहती है बच्चों? कि जिस दिन से वह, कौन, नंद बाबा का लड़का, नंद बाबा का पुत्र क्या कर गया बच्चों, नंद बाबा का पुत्र श्री कृष्ण हमारे इस वन में क्या करके गया, धेनु मतलब गाय चरा करके गया है, ठीक है। दूसरी लाइन, मोहनी ताननी गोधन गावत, मोहनी तान में मतलब सुंदर तान में वह गोधन गीत को गाकर, और क्या, बंसी बजाते हुए गोधन गीत को गाते हुए, मोहिनी तान में गोधन गीत को गाते हुए और बंसी बजाते हुए सबको प्रसन्न कर गए। कहने का मतलब है बच्चों कि सभी लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहाँ? वो जो गोपी वर्णन कर रही है कि जिस वन में श्री कृष्ण बंसी बजा कर गए हैं। अगली लाइन है, ता दिन से वा दिन तो वा दिन सो कछु टोना करी, उस दिन से तो मानो जैसे हम लोगों को कुछ जादू सा छा गया है ना बच्चों, जैसे लगता है कि हमारे ऊपर कुछ जादू सा हो गया। रसखान कवि कहते हैं कि वह गोपी कह रही है कि ऐसा लगता है कि जैसे वह हमारे हियो माने हृदय में समा गए हैं, रसखान हियो में समाई गयो है। फिर गोपी आगे कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता, को न काहू की कानी करे, कोई भी किसी की बात को नहीं मान रहा है, सगरो माने समस्त, ध्यान दीजिए शब्दार्थ में लिखा गया है, सगरो ब्रज बीर,
हे सखी, मतलब वही गोपी दूसरी सखी से अपने कह रही है कि हे सखी, ऐसा लगता है कि सारे ब्रजवासी बिका गए हैं, मतलब कोई छोटे बड़े का लिहाज अदब नहीं कर रहा है, ऐसा श्री कृष्ण के प्रभाव सबके ऊपर छा गया है। श्री कृष्ण का प्रभाव सबके ऊपर छा गया है। देखिएगा यहाँ पे बच्चों, रसखान का मतलब दो है, एक तो रसखान कवि हैं, एक रस के भंडार यानी श्री कृष्ण, इसलिए श्लेष अलंकार है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि एक ही शब्द के कई अर्थ हों, एक ही शब्द रसखान, रसखान आपके कवि का भी नाम है, रसखान माने रस के भंडार, वह रस के भंडार श्री कृष्ण जब से हमारे वन में आए हैं ऐसा क्या लगा जैसे हमारे हृदय में समा गए हैं, श्लेष है, अनुप्रास है यहाँ पे, और क्या है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, अविधा शब्द शक्ति है, जैसा आप ऊपर से लिखते आए हैं समैया छंद है। चलते हैं अगले छंद पर। हाँ बच्चों, देखिए चौथा वाला सवैया, पांचवा, चौथा तो आप पढ़ चुके हैं अभी, और जितना पढ़ाया गया उसमें नोट कीजिए। देखिए वहाँ डाला गया है, ये संकेत है पांच, कान भय बस बांसुरी के। यहाँ पे ध्यान से पहले पढ़िए, कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए है, निस्धौस रहे संग साथ लगी, यह सौतनी तापन को सहिए, निज मोहि लियो मन मोहन को, रस खान सदा हम को दही है, मिली आओ सब सखी भाग चले ब्रज में, मिली आओ सखी सब भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। वाह भाई वाह, रसखान वाह। ऐसा ही बच्चों आप पीछे सूरदास का पढ़ के आए हैं, वहां पे सूरदास भी लिखे हैं कि सखी री मुरली लीजे चोर। क्या है बच्चों, वही चीज है यहाँ पे कि वहां पे बसुरी को चुरा लिया जाए, और यहाँ पे क्या है, यहाँ गोपियां एकदम हार मान गई हैं, कह रही हैं कि कान भय बस बांसुरी के, ये कान्हा तो पूरी तरह से बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब भला हमको कौन पूछेगा, है ना, अब कौन सखी, हे सखी हमको अब कौन पूछेगा। प्रसंग लिखा गया है इसमें, सवतिया दाह का वर्णन है, ऊपर शब्दार्थ भी लिखा गया है। देखिए एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, बेटा कान भय बस बांसुरी के, एक सखी या एक गोपी दूसरी गोपी से, या एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, अब तो श्री कृष्ण, मतलब जो हम लोगों के प्रेमी थे, भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों से एक समान प्रेम करते थे, ये सब क्या कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण हम लोगों से प्रेम करते थे वह तो अब पूरी तरह से बांसुरी के बस में हो गए हैं, हे सखी अब हम लोगों को कौन पूछेगा। निस्धौस रहे संग साथ लगी, बच्चों दिन रात वो बांसुरी को अपने साथ लिए रहते हैं, कभी भी अपने से अलग नहीं करते हैं। यह सौतनी, इस सौत का दुख, तापन माने दुख कष्ट, अब हमसे सहा नहीं जा रहा है। कहने का मतलब बच्चों, एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं, नहीं ना, इसी तरह से यहाँ श्री कृष्ण और सभी गोपियाँ, वो तो ठीक है सभी लोग प्रेम करती थी, लेकिन सबसे बड़ी जलन उन गोपियों को ये थी कि ये बांसुरी
हमेशा भगवान श्री कृष्ण क्यों अपने साथ लिए रहते हैं, इन बांसुरी के सिवा हम लोगों की एक भी बात नहीं सुनते हैं। निज मोह लियो मनमोहन को, किसने मोह लिया, इस बांसुरी ने किसको मोह लिया, सबके मन को मोहने वाले मनमोहन को ही इस बांसुरी ने अपने बस में कर लिया। क्या बात है भाई, विरोधाभास अलंकार है, जो सबके मन को मोह ले भला उसको कौन मोह सकता है, लेकिन यहाँ बांसुरी का इतना प्रभाव है कि उन्होंने मनमोहन को ही मोह लिया, बांसुरी मनमोहन को ही मोह ली। रसखान सदा हमको डहिए, रसखान कवि कहते हैं कि यह तो सदैव हमको डाहती रहेगी, दुख देती रहेगी, कष्ट देती रहेगी, है ना। मिली आओ सबै सखी, भागी चले, सखियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं कि हे सखी आओ हम सभी लोग मिल करके भाग चलें, अब इस ब्रज में ये कान्हा रहेंगे और ये बांसुरी रहेगी, बांसुरी रही हैं, ब्रज भाषा का प्रयोग है, यहाँ बांसुरी रहेगी और श्री कृष्ण रहेंगे, इसके अलावा हम लोगों के रहने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, इसलिए चलो हम लोग प्लान बनाती हैं, एकजुट होकर के क्या कर रही हैं, भाग चलती हैं, यहाँ हम लोग अब रहेंगी नहीं। काव्य सौंदर्य ठीक बेटा उसी प्रकार से लिखिएगा, दो समय आप अपने नोट में लिख लीजिए, जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ एक बात और ध्यान दीजिए कि जितना आपको पढ़ा दिया गया है उतना आप नोट्स कंप्लीट करते रहिए, अन्यथा हम आपको आगे वीडियो भेजना बंद कर देंगे, इसलिए मेहनत से परिश्रम करके आप सभी लोग अपना वीडियो जो भेजा जा रहा है उसको अपने नोट में कंप्लीट करते रहें। क्यों प्रिया ठीक है, हाँ गौरव तुम भी चुपचाप बैठे हो, सभी लोग ध्यान देना, उत्तम गौरव शशांक जो भी हो, इधर अंजलि प्रिया सभी लोग, समय पर काम होना चाहिए। ठीक है बेटा चलते हैं, धन्यवाद, अगले दिन मिलेंगे।